हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप अपने VI एप्लीकेशन में लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, अपना जो मोबाइल नंबर है वो डाल के जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, तो आपको एक यहां पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। OTP लिमिट हैज एक्सीडेड सिंस यू मेड टू मैनी रॉन्ग अटैम्प्ट्स, प्लीज़ ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने इस एप्लीकेशन को VI ऐप को बंद कर देना है। VI ऐप को बंद करने के बाद सिंपल से आपको मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स को ढूंढ लेना है। सबसे पहले आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग का जो ऑप्शन है वो ढूंढ लेना है। तो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सिस्टम मैनेजमेंट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स से, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सेटिंग है इस पर मैं क्लिक करूँगा, रीसेट नेटवर्क सेटिंग। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे रीसेट सेटिंग्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपने मोबाइल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर फिल कर देना है। मोबाइल का पासवर्ड फिल करने के बाद फिर से रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। रीसेट सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद जो हमारी सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो चुकी हैं, अब बैक चले जाना है। बैक आने के बाद अब सिंपल से आपको एप्लीकेशन एंड परमिशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल में इंस्टॉल ऐप्स का भी ऑप्शन हो सकता है, तो यहाँ पे ऐप मैनेजर का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ऐप मैनेजर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी डिवाइस के एप्लीकेशन हैं जो आपके मोबाइल में हैं वो यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पर आपको VI ऐप को ढूंढ लेना है। तो यहाँ पे मैं VI ऐप को ढूंढ के उस पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको फोर्स स्टॉप करके ओके कर देना है, फिर इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देना है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पर आपको करना है कि अपने मोबाइल को, यहाँ पर पावर बटन है जो आपके मोबाइल के, उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है और अपने मोबाइल को यहाँ पर रिस्टार्ट कर लेना है। आपके में रिवोट का भी ऑप्शन हो सकता है, तो रिवोट और रिस्टार्ट जो भी हो उस पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको कम से कम 1-2 घंटे का वेट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप VI ऐप में जैसे ही लॉगिन करने की कोशिश करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो OTP है वो आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ।